मेरा ग्रह अराकिस सूरज के ढलने के साथ निखरता है। रेत से गुजरती हुई हवा में ये तीख आपको दिखती है, लेकिन परग्रही हमारी जन्मभूमि पर आकर कत्लेआम मचाते हैं। आज तक मेरे लोगों पर मैंने सिर्फ उनकी दरिंदगी होते हुए देखी है। क्या होगा हमारी इस दुनिया का? पॉल, हे डंकन, तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें ये पूछने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ सपने आता है अराकिस पर एक लड़की के बारे में, पर समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों। बंद आंखों से कहानियां बनती हैं, पर हकीकत सिर्फ खुली आंखों से दिखती है। आजकल तुम कसरत कर रहे हो, दिख रहा है? नहीं, हम अट्रेडीज वंश के हैं। ऐसा कोई फर्ज नहीं जो हम ना अदा करें, ऐसा कोई विश्वास नहीं जिसे हम ना निभाएं। मुस्कुरा कर नहीं, वही तो कर रहा हूँ। सम्राट चाहते हैं कि हम अराकिस पर शांति कायम करें। अट्रेडीज वंश इसका स्वीकार करता है। मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। आओ मेरे साथ। इस साल तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम किसी और को इनसे नहीं मिले, मैं मिला हूं। वो जल्लाद है। ड्यूक का बेटा चुप नहीं बैठेगा। ये मेरा ड्यून है, मार दो सबको। कयामत आ चुकी है। हथियारों वाले सारे जहाजों को निकालो, जाओ। कत्लेआम मचा रहे हैं वो, एक एक करके मेरे परिवार को मारते जा रहे हैं। हम उन्हें चीर देंगे। पिताजी, अगर मैं एट्रिडीज वंश का भविष्य नहीं हुआ तो? एक महान शख्स कभी राज करना नहीं चाहता, किस्मत उसे मौका देती है। और अगर तुम्हारा जवाब ना है तब भी तुम मेरे लिए वही रहोगे जो तुम हमेशा से थे, मेरे बेटे। अगर मुझे कुछ हो जाए तुम पॉल की हिफाजत करोगी? आखिरी सांस तक। सिर्फ साथ मिलकर हम उनका सामना कर सकते हैं। वक्त आ गया है। ड्यून,